السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ما أبلغك بغطي أهم بات كرنا شاتين ये उस सिलसिले में है जिस तरफ से शायद हम गाफिल रहते हैं अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों से हम खौफ रहते हैं जैसे फ़कर व फाके से बीमारियों से अमन आमान की सूरत हाल की तरफ से परेशानी रहती है मगर जिस चीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा परेशान होना चाहिए उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वो है हमारे गुनाह इंसानों के अंदर गुनाहों की तरफ रगबत का मेलान मौजूद है वहमा फजूर हा व अल्लाह तला ने इसके अंदर डाला है कि ये फिसको फजूर की तरफ मायल होता है उसका नफ्स उसको गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहता है और इंसान के ऊपर गुनाहों का बोझ चढ़ता चला जाता है मगर उसको पता ही नहीं चलता जैसे जब इंसान का वेट बढ़ता है तो उसको एहसास भी नहीं होता वो कितने पाउंड्स अपने ऊपर चढ़ाए चला जा रहा है इसी तरह गुनाहों का पता भी नहीं चलता कि ये कैसे इंसान के ऊपर एक बोझ की तरह चढ़ रहे अक्सर इंसान जानता है कि अल्लाह की नाफरमानी का काम है और गलत है लेकिन उसका नफ्स उसको इतना उभारता है कि कोई बात नहीं बाद में देखी जाएगी गुनाह करते वक्त इंसान अपने जमीर को सुला देता है अभी सारी उम्र पड़ी है तोबा कर लेंगे इसी तरह दिल को बहलावे दे देकर इंसान गुनाहों की दलदल में धसता चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता आप क्या सोचते हैं गुनाहों से क्या होता है कुछ नुकसान होता है हम में से अक्सर का यह ख्याल है कि आखिरत में सजा मिलेगी मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया में भी मुसीबतें परेशानियां गम टेंशन एंजाइटी, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स लेकर आता है और हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारे गुनाह करें तो फिर कुछ होता है लेकिन थोड़े बहुत करने से क्या फर्क पड़ता है तो आदम अलैहिस्सलाम ने कितने गुनाह किए थे जिनकी वजह से वो जन्नत से निकाले गए सिर्फ एक हम हजार करके भी सोचते हैं कुछ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा और हम अल्लाह ताला की नजरों में उसी तरह लाड हैं जैसे पहले थे और हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें भी उसी तरह बरसती रहेंगी हम इसी तरह जन्नत के भी हकदार बन जाएंगे हालांकि गुनाह तो वो चीज है कि थोड़े से भी हों तो इंसान का बेड़ा गर्क कर सकते अल्लाह ताला को किसी की कोई एक बात भी ऐसी नापसंद आ सकती है जिससे हदीस में पता चलता है इंसान अपना ठिकाना जहन्नुम में इतनी नीचे बना लेता है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला सिर्फ एक बात से जो मुंह से निकली हो अगर अल्लाह ताला को वो बुरी लग जाए तो हम सोचते हैं कि जहन्नुम में जाने के लिए शायद बहुत सारे गुनाह करने पड़ते हैं तब कोई जहन्नुम में जाता है एक गुनाह तो कुछ भी नहीं है तो एक गुना भी इंसान को जन्नत से महरूम कर सकता है जैसे आदम सलाम को किया था एक गुना भी इंसान को दुनिया और आखरत में प्रॉब्लम्स में डाल सकता है हमें ये तो डर रहता है कि हमें ये फलां बीमारी ना लग जाए जरा सा हमें कहीं दर्द होता है ना तो हमें सौ तरह के ख्याल आने लगते हैं मगर क्या गुनाहों से भी हम इसी तरह खौफजदा रहते हैं क्या उनका भी ऐसा खौफ ऐसा डर हमारे अंदर है कि ये गुनाह अगर मुझसे चिमट गया तो ये ना हो कि मुझे तबाह कर दे कुरान पाक में कितनी कौमों का जिक्र आया वो बीमारियों से तो नहीं तबाह हुई वो गुनाहों से मिटा दी गई और ऐसे मिटाई गई सफाई हस्ती से कि उनके नामों निशान भी नहीं मिलते सूरत तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया मई तक या जाल्लाहु मखरजा जो अल्लाह ताला से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है ना अल्लाह ताला उसके मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर ही देता है और उसको वहाँ से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता तो यानी इंसान के गुना उसकी रिस्क की तंगी का सबब भी बनते हैं। बास गुना ऐसे भी हैं कि वो नेकियों को भी चाट जाते हैं। जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है ना इसी तरह ये ना हो कि इंसान नेकियां कर रहा है लेकिन साथ साथ गुना भी करता जा रहा है और वो गुना उसकी नेकियों को खा जाए तो क्या बनेगा आपको वो हदीस अच्छी तरह पता होगी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा था मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि क़यामत के दिन इतनी नेकियां लेकर आएगा लेकिन लोगों के हकूक मारे होंगे तो वो लोग आ जाएंगे अपने हकूक लेने के किसी के साथ कोई जुल्म किया हुआ है किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई है तो वो नेकियों के सारे पहाड़ चले जाएंगे यानी साथ गुनाह भी करता रहा ना नेकिया तो थी लेकिन गुनाह देखें उसकी नेकियों को चाट गए ये बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि जब इंसान नेकी करता है तो उसको बड़ा जोम होता है कि मैं नेकी कर रहा हूं मैं बड़ा नेक बन गया और उसके गुनाह उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं वो गुनाह कर रहा होता है लेकिन नेकियों की वजह से अपने दिल को तसल्ली देता रहता है बहलाता रहता है कि मैं इतने अच्छे काम भी तो कर रहा हूँ तो क्या हो गया अगर ये थोड़े से गुनाह कर लिए तो लोग तो इससे भी ज्यादा करते हैं तो अगर अक्सरियत जहन्नुम की तरफ जा रही होगी तो हम भी चल पड़ेंगे ये कह के, के सभी तो जा रहे हैं और देख लें अक्सरियत अल्लाह की ना है अक्सरियत कौमों में जितनी कॉमें गुजरी आप उनके हालात उठा के देख लें कुरान पाक में अक्सरीत कौमों में कौन से लोग होते थे ईमान वाले या नाफरमान तो ये इंसानों की हिस्ट्री रही है कोई पहली दफा नहीं है और अब तो कुर्ब कयामत है अब आप लोगों में अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा देखेंगे कुफर और, और बिदात और जुल्म और गुना ज्यादा देखेंगे इसके बावजूद हम वही ट्रैक लेना चाहते हैं जो अक्सरियत का है। सभी कर रहे हैं ना तो ये सही होगा ये कौन सा क्राइटेरिया तो अगर हमें पता चल जाए कि ये गुना हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है? तो हो सकता है इनसे बाज आने के लिए हम कुछ कोशिश करें इससे हाफजा भी कमजोर होता है ये भी देखिए आप दुनिया की सजाएं तो हैं आखिरत की सजाएं तो हैं दुनिया की भी सजाएं इमाम शाफी फरमाते मैंने अपने उस्ताद वकी से कमजोर हाफजे की शिकायत की तो आपने मुझे फरमाया कि तुम गुनाहों को छोड़ दो तो इस तरह से इंसान के जो गुनाह है उसके हाफजे को हम कहते ना हमारी याददाश्त नहीं है तो वो याददाश्त क्यों नहीं है अब हमें क्यों चीजें भूलती है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गुनाहों की वजह से इस तरह इंसान इल्म से भी महरूम हो जाता है क्योंकि इल्म एक नूर है और नूर गुनागार दिल में नहीं आता और गुनाहों की वजह से दिल में भी वहशत रहती है इंसान अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है कामों में मुश्किल आती हैं रुकावटें पैदा होती हैं और गुनाह कभी एक नहीं रहता एक गुना दूसरे का दरवाजा खोलता है एक से आगे दूसरा और दूसरे से आगे तीसरा और इंसान को पता भी नहीं चलता वो कहां से कहां निकल जाता है तो गुनाह करने से इंसान की गुनाहों की नफरत भी खत्म हो जाती है आज बहुत से गुनाह ऐसे हैं देखे बहुत आम है और लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं लेकिन एहसास ही नहीं है ये भी कोई बुराई है ये अल्लाह की नाफरमानी है ये नॉर्मल बात समझी जाती है आप फरमाया मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों यानी इंसान की शर्म ही खत्म हो जाए उसको ये बात का एहसास ही ना रहे कि ये कोई गलत बात है उसको खुलम खुलता करता फिर आज देखें मस, मिसाल के तौर पे एक बहुत सारे गुनाहे लेकिन ये चंद एक जैसे औरतों का बेहिजाब घूमना कोई बुराई नहीं समझी जाती बेहया की चीजें देखना उनको सुनना म्यूजिक हराम मर्दों और औरतों का मिक्सअप होना, झूठ बेईमानी सूद करप्शन ये इसको लोग गुना नहीं समझते फहाशी का एक तूफान है मगर इसको एक मॉडर्निज्म समझा जाता है तो गुनाहों से नफरत खत्म हो चुकी है और बड़े से बड़ा गुना भी मामूली सा लगने लगता है जबकि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन अपने गुनाह के बारे में इस तरह से परेशान रहता है जैसे कोई पहाड़ के एन नीचे बैठा हुआ और उसके ऊपर पहाड़ गिरने को है बस अभी गिर जाएगा सोचें वो कितना फिर डर के रहेगा ना इस तरह अपने गुनाहों से वो परेशान रहता है और फासिक फाजर जो मुनाफिक होता है उसको अपने गुनाह एक मक्खी की तरह हल्के लगते हैं वो समझता है कि ये कुछ भी नहीं जो उसकी नाक पे बैठी है मक्खी और यूं अपने हाथ से उसने मक्खी को उड़ा दिया बस इस तरह से गुनाह है तो वो बिल्कुल उनको कुछ खातर में नहीं लाता कुछ समझता ही नहीं है ये तो इससे क्या फर्क पड़ता है तो हम देख लें कि हम किन में से हैं क्या मुमिनों में से जिनको अपने गुनाह बोझल महसूस होते हैं या इतने हल्के लगते हैं कि इट्स तो ओके कोई बात नहीं और आप देखिये गुनाहों की नहुसत होती है जो इंसानों को ही नहीं जानवरों तक को हलाक कर देती है आप देख ले कौम कौमे लू तो उन पर जब अजाब आए तो उनके जानवर भी खत्म हो गए और एक और बहुत अहम बात है कि वैसे तो अल्लाह ताला किसी का बोझ दूसरे के ऊपर नहीं डालता वाला जीरो तुम विजरा हो कोई बोझ उठाने वाले दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा लेकिन बाज दफा वालदेन का कोई गुना ऐसा होता है कि उन गुनाहों की या उस गुनाह की नहुसत का असर उनकी औलाद पे भी पड़ता है ये बात समझ जाए ये उन गुनागार वालदैन के लिए तो सजा होती है बच्चों के लिए सजा नहीं होती बच्चों के लिए आजमाइश होती है अगर तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे आफतों से बचे रहें हमारा घराना इस नहुसत से बचा रहे गुनाहों की तो गुनाह छोड़ने होंगे इनकी तो इतनी नहुसत है कि जिस्मों पे भी असरात होते हैं कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम का कद जो था वो साठ हाथ था और फिर इंसानों के गुनाहों के वजह से आज देखें कितने रह गए इंसान तो जब लोग अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो जाते हैं तो बरकतें आती हैं इसीलिए ईसा आल्लाम जब आएंगे तो उसके बाद इतनी बरकत होगी एक अनार से पूरी जमात फुल हो जाएगी एक अनार खाके और जब गुनाह होते हैं तो उनकी नहुसत की वजह से बरकतें उठ जाती हैं खानदानों से घरों से कॉमों से तो अपने घरों को अपने खानदानों को गुनाहों से निकालना है। और कहीं और हमारा बस चले ना चले अपने ऊपर तो चल सकता है तो खुद को तो हम पाक करें अगर हम चाहते हैं कि हमें तहफुज हासिल हो हम हिफाजत में आ जाए अल्लाह क्योंकि हदीसे कुछ सी अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम जब मेरा कोई बंदा वो काम करता है जो मुझे महबूब है और फिर उसको छोड़ के ऐसा काम करता है जो मुझे नापसंद है तो मैं भी उसकी महबूब चीज से उसको महरूम कर देता और जो इसको मकरू और नापसंद है उसकी तरफ इसको मुंतकिल कर देता हूँ और जब मेरा बंदा कोई नापसंदीदा काम करता है और फिर उसको छोड़ के वो काम करने लगता है जो मुझे महबूब है तो मैं भी उसे उसकी नापसंदा नापसंदीदा चीज से अलग करके उसकी महबूब उसकी पसंदीदा चीज की तरफ ले जाता हूँ तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला की इतात जो है ना वो एक मजबूत किला है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत मिलती है और अल्लाह की नाफरमानी इंसान को अल्लाह की हिफाजत से महरूम कर देती है तो नाफरमानी करते वक्त सोचे तो सही कि मैं अल्लाह की हिफाजत से महरूम हो जाऊंगी ना मेरे बच्चों के ऊपर आफत आ जाए ये मेरे घराने पर आफत आ जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता गुनाह करते हैं और आराम से करते हैं मजे से करते हैं धड़ल्ले से करते हैं लेकिन याद रखें गुनाह करते वक्त तो इंसान मज़ा ले लेता है उसके बाद उसकी नहूसतें जो आती हैं उनको बर्दाश्त करना फिर मुश्किल हो जाता है फिर तैयार हो जाए करें कि उसके बाद कोई मुश्किल आएगी कोई मुसीबत पड़ेगी कोई तकलीफ आएगी और जब कोई तकलीफ आए तो सोचा करें कि कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुए ये गुनाहों के असरात तो नहीं है गुनाहों के तो इतने असरात हैं इसके ऊपर बाकायदा पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, तो यहां पे तो वक्त की कमी की वजह से सारे मेंशन नहीं हो सकते ये तो दुनिया की नहीं बल्कि जब इंसान दुनिया से जाने लगता है उस वक्त भी इनकी इतनी नहुसत है कि हुस्ने खात्मा से इंसान को महरूम कर देते अल्लाह तला की नजरों से गिरा देते हैं कब्र को अंधेरा कर देते हैं और शैतान को इंसान का साथी बना देते हैं तो रमजान ये वक्त है जिसमें हम जहां नेकियों की तरफ तोज्जो दे रहे हैं वहां इस इतनी खतरनाक चीज को भी हम जरूर कंसिडर करें कि हमने इनसे निकलना है और ये हैं जिनकी वजह से मैं अल्लाह की राहमत से महरूम हो सकती हूँ और जैसे हमने अपने मुहासबे की बात की थी कि हम अकेले बैठ के अपना हिसाब किताब करें तो उसमें जरूर अपने गुनाहों पे नजर दौड़ाएं और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर अगर हमारे गुनाह में नजर आ जाए क्योंकि अक्सर हमें अपने गुनाह नज़र ही नहीं आते कहते मैं क्या करती हूं तो कुछ करती ही नहीं तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे गुनाह मुझे दिखा दे क्योंकि तो अगर दिखेंगे ही नहीं तो तौबा क्या करेंगे तो ये भी एक गुनाहों का अजाब ही होता है कि इंसान से गुनाह भी छुप जाए और इंसान गुनाहों में दसा भी है लेकिन फिर भी उसको अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती तो या अल्लाह हमारी गलतियां हमारी कमियां हमारी खताएं हमारे गुनाह हमें दिखा दे और हमें तौ, तौबा तोबा की भी तोहफी कता फरमा दे तो ये तोबा का महीना जो हो गया वो हो गया अब पलटने का वक्त है अब वो वक्त है कि हम अपने गुनाहों के ऊपर आंसू बहाएं निदामत हमारे अंदर हो कि हम ये क्या कर बैठे वरना यकीन जाने अगर नू सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके इब्राहिम अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे लूत सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा सके तो हमारा वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हमें बचा लेगा लिहाजा तो इस धोखे में ना रहे अगर हम खुद के साथ खुद मुखलिस नहीं है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता फिर वो कोई दर नहीं है जहां हम जाके पना ले सके वो कोई कुवत नहीं है जो हमें बचा ले कोई जगह नहीं है जहां पे हम छुप जाए लिहाजा हमें पलटना होगा लौटना होगा इन गुनाहों से तोबा करनी होगी कल को जो पछताएंगे तो बेहतर नहीं है कि इन गुनाहों पर आज इस दुनिया में पछताएं और इनको हम छोड़ दें तो ये अपने आप से भलाई है कि अगर इंसान ऐसा करे लिहाजा हमें इसको बहुत सीरियस लेना है हमें इन गुनाहों को अपने अंदर से निकालना है कोशिश कीजिए सारा दिन बावजूद है वजू रहने से भी इंसान के ऊपर एक पाकी का एहसास रहता है बार बार इंसान वजू करता है तो उसके गुनाह भी झड़ते हैं इसी तरह जहाँ आजकल हम मसाजिद में तरावी पढ़ रहे हैं या घरों में पढ़ रहे हैं क्याम कर रहे हैं तो एक चीज को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें चाहे रमजान है या रमजान नहीं है ये मैंने सूर्य मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोना मुल्क सूरत है। आप सल्लाम ने फरमाया सिफारिश करती रहेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा और वो यही सूरत यानी ये इतनी स्ट्रोंगली खड़ी होगी इंसान के हक में कि ये सिफारिश करती रहेगी जब तक इस बंदे को बख्श ना दिया जाए इसीलिए इसको निजात दिलाने वाली सूरत कहा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान की एक सूरत है जिसने अपने पढ़ने वाले की तरफ से अल्लाह ताला से लड़ झगड़ कर उसको जन्नत में दाखिल कराया और वो सूरत तबारक है और ये सूरत कबर के अजाब से भी बचाती है इसी तरह आप वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अलीम तंज़ील जो सूरज सद्दा है और सूरत तबारक लजीए ज़रूर पढ़ लिया करो तो सूरज सद्दा भी पढ़नी चाहिए किसवें बारे में उसकी भी तीस आयतें इसकी भी तीस आयतें तो साठ तो यही हो गई हमने कहा था हम सौ आयतें पढ़ के सोया करेंगे तो अगर सौ आयतें पढ़ ली तो पूरी रात की इबादत का सवाब मिल गया लिहाजा इन दोनों सूरतों को पढ़ने तो बहुत ही अच्छा है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई सिफारशी हो क़यामत के दिन तो इस सूरत को पढ़िए इसी तरह जैसे हमने कल बात की थी कुरान तो भी सिफारशी बनेगा कुरान भी इंसान के हक में बोलेगा कुरान भी कबर का साथी बनेगा तो बहुत सारे लोगों ने हमसे रहा किया एडमिशन के लिए अब इसमें यह है कि आप जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं वहीं से हमारे साथ शामिल हो जाइए ये ना सोचें अब हमें सूरह फातिहा से ही शुरू कराएंगे तो फिर हम आएंगे नहीं आप इस चीज का इंतजार ना करें जहां से कुरान पाक कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि जो एक तरफ से शुरू हुई कोई जैसे दुनिया में कोई किस्से कहानियां होते कोई ड्रामा कोई फिल्में होती हैं उनमें एक स्टोरी स्टार्ट होती है और उसके बाद अब बीच में से अगर आपने देख ली तो आपको पहली समझ नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं है कुरान तो एक तस्गीर है हर सूरत का एक मौजू है हार सूरत अपनी एक खासियत रखती है तो जहां से हैं अब वहां से शुरू कर ले बिल्कुल ये ना सोचे कि हाँ जब शुरू से शुरू होगा तब करूंगी पता नहीं जिंदगी की इतनी मोहलत होती है या नहीं लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज शुरू कर दें तो कल को नहीं भी रहेंगे तो कम से कम इस रास्ते में मौत आ जाए यही दुआ करनी चाहिए या अल्लाह अपने रास्ते में मौत देना कि कुरान के रास्ते में मौत आ जाए इसका इल्म लेते हुए मौत आ जाए तो कितनी खुशकिस्मती की बात है चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सीख रहे हो लेकिन कुरान के ताले बे इल्म कहलाएं मैंने आपको बताया था कि ये कुरान वाले कौन है अहल अल्लाह ताला ने इनको अपना अहल करार दिया इतनी बड़ी शर्फ की बात है अल्लाह की फैमिली सुभान अल्लाह अल्लाह ताला तो इन चीजों से पाक है लेकिन वो इतना ऑनर देता है अहले कुरान को कि मेरे खास बंदे हैं ये स्पेशल तो आप नहीं स्पेशल लोगों में शामिल होना चाहते अल्लाह के खास लोग अल्लाह तला के वी आई पी किसी और काम के ऊपर ये नहीं कहा गया किसी और नेकी पे नहीं ये कहा गया सिवाय कुरान के अल्लाह तला ने इनको अपना अहल कहा और इनको अपने खास बंदे फरमाए सुबह अल्लाह तो ये शर्फ आपकी भी नसीब में हो सकता है अगर आप अपनी नस्बत कुरान से जोड़ लें कहलाए अल्लाह अकबर अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल फरमा दे और अल्लाह ताला इसी रास्ते के ऊपर हमें मौत अता फरमाए तो इसी तरह आज के जो दुआ है वो इसलिए बहुत जरूरी दुआ है कि जो हमने बात की कि इंसान के गुनाह जो हैं बहुत सारी नहुसते लेकर आते हैं और उनमें एक नहुसत ये भी है कि नेमतें जो है इंसान से छिन जाती नेमतों का जवाल आ जाता है तो बहुत डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि नेमतें हमसे चली जाए हमारी प्यारी चीजें हमसे चली जाए सब चीजें नेमते ही हैं जो हमें मिली नहीं कोई भी चीज हमारा हक नहीं है तुम्हारे तो गुना या हमारी ना शुक्रिया या हमारी कोई मुंह से बोले हुए ऐसे बोल या हमारी कोई ऐसी बात ये ना हो कि अल्लाह ताला को ना पसंद आ जाए और उसकी वजह से कोई नेमत छिन जाए क्योंकि ये नेमते उस रब ने दी हुई है हम इनके काबिल नहीं है हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि हम डिजर्व करते हों हम हकदार हाँ हों इनके नहीं ये तो अल्लाह ताला का सरासर करम है फजल है हमारे ऊपर ये हमारे गुनाहों के बावजूद वो हमें देता जाता है तो ये ना हो कि हमारे गुनाहों की पादाश में किसी दिन छीन ले लिहाजा हम ये दुआ करें अभी बहुत प्यारी दुआ इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इंसान जो मांग सकता है कि अल्लाम इन आउज वाली नियामतें अल्लाह मुझे नेम तो के जवाल से बचाना आज है कल नहीं हो इतने ही आप दुनिया में लोगों को देखते हैं, कि एक दिन नेम तो में खेल रहे होते मधोश होते हैं और अगले दिन उनके क्या हालात हो जाते हैं ये नेमते छिन जाती हैं वह लिया आफियत एक और अल्लाह मुझे ये भी डर लगता है मैं तेरी पनाह चाहती हूं कि आफियत मुझसे छिन जाए आफियत के बदल जाने से यानी अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि सबसे जबरदस्त बेहतरीन दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मांगनी चाहिए वो आफियत है बेस्ट दुआ है आपसे कुछ ना मांगा जाए ना आप अल्लाह ताला से ये बस मांगे अल्लाह ताला मुझे दुनिया और भरत में आफियत अता आफियतरमान जरूर ये मांगा कर ये वो तहफुज है जो आपको सारी बुरी चीजों से सारे शर से महफूज कर लेगा तो आफियत के बदल जाने से कि आज आफियत है कल को क्या पता छिनतिक और एल्लास्ता अल्लाह तला सजा के अचानक आ जाने से हमें माफ कर दे अगर हम आज सजाओं से बचे हुए हैं तो ये अल्लाह तेरी राहमत है हमारा इसमें कोई ऐसा कमाल नहीं है हम तो वाकई अगर अल्लाह तला हमारे गुनाहों की वजह से हमें पकड़ना शुरू कर दे तो हम बच नहीं सकते इस सफाई हस्ती से कोई भी कोई भी चीज कोई चलने वाला कोई रेंगने वाला कोई भी ना बचे अगर अल्लाह पकड़ने पे आए तो अल्लाह अपनी सजा के अचानक आ जाने से वह जमी ईसा खौतिक और अल्लाह तेरी हर किस्म की नाराजगी से इतनी प्यारी दुआ है ना अल्लाह ताला मुंह मोड़ ले अगर तो हम कहाँ के रह जाएंगे अल्लाह तो तेरी हर किस्म की नाराजगी से कि अल्लाह तू नाराज ना होना बस हम खताकार हैं लेकिन अल्लाह तू हमसे मुंह ना मोड़ना हम गुनागार हैं लेकिन अल्लाह तू हमसे रूठ ना जाना तो इतनी खूबसूरत दुआ है हर दुआई में सोचती हूँ कितनी प्यारी है हमें तो शायद समझ भी ना आए कभी मांगते हुए कि ये भी चीज हमें मांगनी है जो आप वसल्लम ने हमें मांग के बता दी तो हमारे जहन में कहाँ आता है कि हम ऐसी बातें भी मांगे और ये बहुत मुमकिन आत्मे से हैं ये सब चीजें हम दुनिया में देखते हैं सजाएं आती भी भी देखते हैं नेमतों को छिनते भी भी देखते हैं आफियत के जाते भी भी देखते हैं अल्लाह तला की नाराजगी के आसार भी देखते हैं तो हमें बचा लेना और आज का जो जिक्र है वो तो जन्नत के खजानों में से है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर और इसकी तंगी का भी इलाज है इसके अंदर और ये जिक्र क्या है इल्ला बिल्ला इतना प्यारा जिक्र है ना इसलिए कि इंसान इसमें सुबह अल्ला अकबर अपने आप को बस छोड़ देता है फिर मेरे अंदर कहाँ कोई ताकत मेरे अंदर कहाँ कोई कुत ना गुनाहों से बचने की कोई ताकत कुवत है ना नेकियां करने की कोई ताकत कुवत है अल्लाह सारी ताकत कुवत तो तेरे पास है तो वो सरेंडर कर देता है अपने आप को गिरा दिया अपनी वीकनेस अपनी कमजोरी अल्लाह ताला के आगे रखने की अल्लाह में तो कुछ भी नहीं है ये नेकियां भी को जो थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ ये भी मेरी ताकत कुवत नहीं अल्लाह गुनाहों से भी तू नहीं बचाना है वो भी मेरी ताकत कुवत नहीं ये बहुत बड़ा जिक्र है ये आपको जन्नत के खजाने दिला सकता है अल्लाह तो इस जिक्र को जारी रखें इससे जैसे मैंने आपको बताया कई बीमारियों का इलाज इसके अंदर है बहुत ही अच्छा जिक्र है अल्लाह ताला हमें जिक्र करने वाली जुबान अता फरमाए और शुक्र करने वाला दिल अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटा दे हमारे आमाल नामे से और अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला, ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू